केरल राज्य की अक्षर नगरी कोट्टयम जिला मनमोहक घाटों और नहरों से घिरा, जहां झरनों की कलकल से मिलती है इन मुस्कुराते चेहरों की हंसी। इस जिले की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के जीवन में खुशी की लहर लेकर आई है भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आइए मिलते हैं इन्हीं में से एक महिला से। मेरा जन्म स्थान कोट्टयम जिले में चंगनासेरी है और मेरी शादी कोट्टयम जिले के एराटुपेट्टा से हुई है। मैं कोविड महामारी की शुरुआत से गर्भवती थी और मैं उस समय अतिरिक्त मातृत्व खर्च नहीं उठा सकती थी। उस समय हमारे घर के पास एक आंगनबाड़ी शिक्षिका ने यहाँ आकर हमें मातृ वंदना योजना के बारे में बताया। हमने आवेदन किया और हमें 3 किस्तों में पैसे मिल गए। उस पैसे से हम अपने और अपने बच्चे के अस्पताल के सभी खर्चों को पूरा करने में सक्षम थे। ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में गहराई से सोचती है और पूरी निष्ठा से काम करती है। केरल और कोट्टयम में इस देशव्यापी योजना की सफलता उसी का परिणाम है। इस मातृ वंदना प्रोग्राम के तहत हमने पिछले 5 वर्षों में बहुत सी गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान की है। हम घर घर जाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वस्थ माताओं की गूंज रही लोरियां, स्वस्थ बच्चे भर रहे किलकारियां, मातृशक्ति को मिल रहा नया बल, भारत का सवर रहा आज और कल।